हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी तरह के अपने फ़ोन में जब कॉल आते हैं तो अपना इमेज कैसे लगाएंगे। अगर कोई पर्सन आपको कॉल करते हैं तो आपका इमेज यहाँ बैकग्राउंड पर दिखाई देंगे, तो इसे कैसे सेट करते हैं और क्या आपको करना पड़ेगा आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपना फ़ोटो अपने कॉल स्क्रीन पर कैसे लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको अपना फ़ोन में एक वानी ऐप नाम का एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये वानी ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आएगा। किसी फ़ोन में भी ये सेटिंग नहीं होता है। तो आपका अगर इमेज लगाना है तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो इसे किस तरह से सेट करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए वाणी ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो सिंपली देखिए, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है, तो स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ अलाउ का ऑप्शन आया हुआ है, अलाउ कर लेते हैं। जैसे अलाउ पर क्लिक करते हैं तो हमें इस सेटिंग को इनेबल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे इनेबल कर लेते हैं। फिर यहाँ अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं। सिंपली से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो सिंपली ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ देखिए प्लस का आइकॉन दिख रहा है, जस्ट एड योर फोटो करके लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिखाई देंगे, कस्टम करके, यहाँ प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ फोल्डर खुल चुका है, जिस फोल्डर में हमने अपने फ़ोटो रखा हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस इमेज को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो एक बार में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर आपको इसी में आना होगा। फिर इस फोटो को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो सिंपली इसको आप क्रॉप कर लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है, आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लीजिएगा। फिर यहाँ ऊपर में लिखा है क्रॉप, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर एक बार में नहीं होगा, फिर आपको यहाँ दोबारा करना पड़ेगा। फिर इसको बड़ा कर लेंगे और फिर यहाँ ऊपर में क्रॉप लिखा हुआ है, फिर क्लिक कर लेंगे। तो ये सेट हो गया है। अब सेट हो गए हैं तो आपको सिंपली यहाँ लिखा है नीचे अप्लाई करके, तो यहाँ सिंपली आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्लाइड, यानी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको बैक कर लेना है। तो चलिए बैक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ अगर आप जाते हैं होम पे तो बहुत सारे और ऑप्शन हैं, आपको यहाँ से साइलेंट, आंसर, डिसलाइन करने का बहुत सारे ऑप्शन हैं।